आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पायरेसी को लेकर मोदी कैबिनेट का अहम फैसला, सिनेमेटोग्राफी बिल 2023 को दी मंजूरी। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पांचवी लिस्ट, सीएम बसवराज बुम्बई के सामने बदला उम्मीदवार, पठान को चुनावी मैदान में उतारा। अखिलेश यादव ने फिर साधा भाजपा पर निशाना, बोले ध्यान भटकाने के लिए भाजपा उछाल रही नए नए मुद्दे। दिल्ली सरकार का प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सख्त एक्शन, महंगी किताबों और स्कूल ड्रेस पर भेजा शो कॉज नोटिस। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के लिस्ट में मिली सचिन पायलट और नवजोत सिंह सिद्धू को जगह, कर्नाटक में नाम गायब, जालंधर में मिली जगह। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। बुलंदशहर नगर पंचायत पहासू के पूर्व चेयरमैन अजमल छोटे ने समाजवादी पार्टी के वर्तमान जिलाध्यक्ष पर टिकट के बदले 2 लाख लेने का आरोप लगाया है। आहत पूर्व चेयरमैन ने सपा की प्राथमिकी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व चेयरमैन अजमल छोटे ने सपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर अपने पैसे वापस दिलाने की मांग की है। पूर्व चेयरमैन का सपा जिलाध्यक्ष पर आरोप लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सपा जिलाध्यक्ष ने आरोप को झूठा बताते हुए किसी को अपने नाम से पैसे नहीं देने की अपील की है। कहाँ के रहने वाले हैं? पहासू। अच्छा, आपने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पर एक गंभीर आरोप लगाया है कि आपसे उसने पैसे लिए हैं, और कितने पैसे लिए हैं और आपको? ऐसा था, हमारा नाम चल रहा था पैनल में, हम टिकट मांग रहे थे और 1993 से हम पार्टी में, और हम मांग रहे थे तो बोले मैं 2 बार चेयरमैन रहा हूँ नगर पंचायत पहासू बुलंदशहर का। तो उन्होंने कहा हमसे अपना आवेदन करिए, तो वो हमारा आवेदन ले गए नकल, तो हमसे बोलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विशाल जुड़ेंगे। विशाल, टिकट के बदले 2 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया जा रहा है सपा जिलाध्यक्ष पर। जी नंदनी जी, मैं आपको बता दूंगा, जनपद बुलंदशहर के नगर पंचायत पार्षद के पूर्व चेयरमैन अजमल छोटे ने समाजवादी पार्टी वर्तमान जो जिला अध्यक्ष हैं उन पर टिकट के बदलने के नाम पर 2 लाख का आरोप लगाते हुए वो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशाल। अतीक अहमद के हत्या के बाद कांग्रेस नेता राजकुमार राजू का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में नेता ने माफिया अतीक अहमद को शहीद बताया और उसके लिए भारत रत्न की मांग की। नेता का कहना है कि मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था तो अतीक अहमद को क्यों नहीं। साथ ही बता दें कि कांग्रेस नेता ने माफिया अतीक अहमद के कब्र पर तिरंगा लगाया है और अतीक को भारत रत्न देने की आवाज उठाई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बयान जो आया जिसके खिलाफ 106 मुकदमे हों उसके सम्मान की बात उसने किया, तो जब हम लोगों ने देखा तो तत्काल हमने जो है उसको 6 साल के लिए पार्टी से, प्रथम जैसे ही हमने बयान देखा उसको 6 साल के निकाल दिया गया। और हमारी पार्टी कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं रही है। तमाम अपराधी किस्म के लोग हमसे जो टिकट मांग रहे थे हमारे दल से, हमने उनके खिलाफ मुकदमे थे, हमने अपने पार्षद पद के प्रत्याशी अपनी खाली सीट छोड़ दी लेकिन हमने टिकट नहीं दिया। तो पार्टी इस ये अतीक अहमद का जिस तरह से योगी सरकार ने मर्डर कराया, योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मैं कांग्रेस के वार्ड नंबर 43 से पार्षद प्रत्याशी हूँ और मैं ये मांग करता हूँ कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए।
और क्योंकि भजन पटनी जी थे वो शहीद हुए हैं, वो शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और अतीक अहमद को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और भारत रत्न दिया जाए मोदी, जब मुलायम सिंह को पद्म विभूषण मिल सकता है तो अतीक अहमद को संसद से अतीक अहमद को क्यों नहीं मिलता भारत रत्न, उनको क्यों राजकीय सम्मान नहीं दिया गया, क्यों नहीं उनको तिरंगा झंडा उड़ाया गया उनके कब्र पे। क्या बयान दे नगर पंचायत इल्तफाजगंज में जगह जगह गंदगी का अंबार दिख रहा था, नालियां पूरी तरीके से गंदगी से भरी हुई थी जो कि संक्रमण बीमारियों को न्योता दे रही थी। पेयजल की संकट से मोहल्लावासी जूझ रहे थे, जो वाटर कूलर थे वो खराब स्थिति में थे, लेकिन इस सब मुद्दों को प्राइम टीवी ने प्रमुखता के साथ खबर को दिखाया है जिसके बाद अधिशासी अधिकारी एक्शन मोड में नजर आए हैं। नालियों को बेहतरीन तरीके से सफाई और वाटर कूलर की रिपेयर कराई जा रही है, बहुत जल्द मोहल्ला वासियों की पेयजल की संकट भी खत्म हो जाएगी। जल जमाव की कोई समस्या नहीं है, नाली चौक सफाई हो रही है और बरसात से पहले सारी नालियां नाले साफ हो जाएंगे। वाटर कूलर आज से जो खराब हुए हैं आज से रिपेयर होकर लगने शुरू हो गए हैं और 2-3 दिन में सारे वाटर कूलर सही हो जाएंगे। बुलंदशहर की नगर की महिला आरक्षित सीट पर नगर पालिका अध्यक्ष के लिए समाजवादी पार्टी ने अर्चना पांडा पर भरोसा जताया। समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अर्चना पांडा को चुनावी मैदान में उतारा गया। अर्चना पांडा मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली है और MBA की पढ़ाई कर चुकी है। पिछले करीब 10 साल से बाहुबली और पूर्व विधायक भगवान शर्मा के साथ रहकर जनता की सेवा कर रही है। वह पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है। खुर्जा से रजिया चौधरी, जहांगीराबाद से अजीत सिंह को समाजवादी पार्टी ने नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में उतारा है। अर्चना जी, क्या समाजवादी पार्टी के आपने कौन सा आपको प्रत्याशी बनाया, कहां का बनाया और क्या आपके उम्मीद है कि आप क्या कार्य करेंगे इस क्षेत्र में, कहां के लिए बनाया? बुलंदशहर से, बुलंदशहर महिला आरक्षित सीट थी वहां से बनाया। क्या बुलंदशहर के लिए विकास कार्य करेंगे? बुलंदशहर की पहले तो सड़कें, हाउसटेक्स में जो बढ़ोतरी हुई है उसे कम कराऊंगी, डस्ट और पोल्यूशन से शहर भर रहा है, डस्ट और पोल्यूशन की पहले उसकी ठीक कराऊंगी और सिवर लाइन की समस्या जो सबसे बड़ी मुद्दा है उसे ठीक कराऊंगी। और एक है कि इलेक्ट्रिसिटी बार बार किसी भी समय जा सकती है, इसका तो कोई भरोसा है ही नहीं, ये सारे और पानी की समस्या ये। लखनऊ में 5 लाख के इनामी को यूपी पुलिस पकड़ने में नाकाम रही। जांच एजेंसियां सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर पानी फेरते हुए नजर आ रही हैं। वहीं जांच एजेंसी राशिद नसीम के बीच बातचीत का जो ऑडियो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऑडियो वायरल होने के बाद एजेंसी राशिद नसीम पर मेहरबान 17,000 करोड़ की ठगी करने वाले 5 लाख के इनामी को यूपी पुलिस पकड़ने में नाकाम रही। 5 लाख के इनामी से संपर्क के बावजूद जांच एजेंसियां मौन में है। यूपी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में 5 लाख का इनामी राशिद नसीम का नाम भी शामिल है। अलीगढ़ में आपसी कहासुनी के बाद 2 महिलाओं के गुटों में जमकर मारपीट हो गई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट में घायल हुई महिला के द्वारा थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत देते हुए कार्रवाई की मांग की है। पूरी घटना का वीडियो बनाकर किसी के द्वारा सोशल मीडिया पर जो है वायरल कर दिया गया। वायरल वीडियो में 2 गुट की महिलाएं आपस में लड़ती हुई नजर आ रही हैं। उनके द्वारा जमकर पथराव भी किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जिला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के गाँव सहारा खुर्द का बताया जा रहा है ये पूरा मामला। कैसे क्या हुआ था? अरे जो हुआ, हम बैठे आपसे मैं बैठे तो जब पर चोल चल गई कोई लेवा हुआ तो ये उल्टी सीधी हमें गाली भग रही और तुमने चुराई है का उल्टी सीधी गाली। तो क्या हुआ है, कोई मारपीट हुई है? मारपीट हुई। किसको मारा है? अपनी बस लड़ रही। किसको मारा है? मेरी इमराना को भी मारा, खुशबू को भी मारा और चप्पू लेकर मेरे मुंह पे फैल करी मुँह गिरा ली। अभी घर कौन है, सभी आने सब। किसने गिरा ली? मैंने गिराई पीली ने। सब तब कहाँ की रहने वाली है वो? सहारे की। अच्छा, तो कहाँ पर आई हुई है आप? मैं थाने में आई हूँ। तहरीर वगैरह दी है? हाँ। क्या नाम है आपका? आपका मेरा नाम
संभल में इलाज के दौरान डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार छोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। वहीं मृतक बच्चे के पिता उमेश ने बताया कि डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत हुई है। बच्चे की मौत होने के बाद हेल्थ केयर का डॉक्टर और संचालक मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे क्षेत्रीय छोलाछाप नोडल अधिकारी डॉक्टर विराश यादव ने अस्पताल को सील कर दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बच्चे को लेकर क्या मामला है? ये बच्चा एक्सपायर हुआ है, कहाँ एक्सपायर हुआ है, कौन से अस्पताल में एक्सपायर हुआ है? गमे। क्या हुआ था इसे? इसने कल एक उल्टी करी थी बस। फिर क्या हुआ? उसके बाद हम न्यायालय आए। आप कौन है, बच्चे के कौन लगते हैं आप? पिता हूँ इसका। पिताजी हैं, क्या नाम है आपका? दिनेश। तो क्या हुआ था, कैसे बच्चा एक्सपायर हुआ? उसको पहली बार तो उल्टी हुई थी एक, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं लिया यहाँ अस्पताल में जी। अस्पताल में 12 बजे तक बोतल लगाई सही करके डॉक्टर ने। सही है। फिर मैं बोला उस पर डॉक्टर से, मैंने इसका बुखार नहीं। सर एक गमा में बच्चे की मौत हुई है किसी हॉस्पिटल पे, तो क्या है पूरा मामला? आज मुझे एक फ़ोन के माध्यम से मुझे अवगत कराया गया कि गमा में एक बच्चा हेल्थ केयर है, जो कि एक डॉक्टर सुभाष चंद्रा नाम से, जो कि MBBS हैं, और एक इमामुद्दीन मलिक इसको संचालन करते हैं, और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी बच्चे की। जब मैं वहाँ मौके पर पहुँचा तो दोनों ही संचालक फरार थे। मेरे द्वारा उसको सील कर दिया गया है और थाने को तहरीर दी जा रही है। अच्छा सर, पहले भी सुनने में आया कि इस पे जो है 2-3 मुकदमे पहले भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इस पे कोई गैंगस्टर जैसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर क्या इस बार जो है गैंगस्टर की कोई कार्रवाई होगी इस पे? सबसे रायबरेली में घर के बाहर चारपाई पर सो रहे किसान की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपी ने पूरे गांव में कुल्हाड़ी लेकर घूमता रहा। हत्या से गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी की तलाश में टीमें गठित कर दी गई है। ये मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के भदिया गाँव का बताया जा रहा है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।